देखिए दोस्तों, आपको जो भी पिक्चर दिख रहा है, एक ब्रेकर का है और दूसरा है कैंटिलेवर छज्जा का, जो कि आज का वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ब्रेकर के बारे में दिखाने वाले हैं, डिमोलिशन के बारे में दिखाने वाले हैं, बाद में हम छज्जे के बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो वीडियो तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, देखिए ये है 15 किलो का ब्रेकर जो हमने रेंट से लाया है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। ये जो हमारे ब्रेकर बॉय है, इसका नाम है विपिन। विपिन हाय बोलो सबको। हाय दोस्त। हाँ, जो विपिन है हमारे बेहतरीन बंदा है, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, ब्रेकर चलाते हैं। 15 किलो का जो ब्रेकर है उठाने में आसान नहीं है, बहुत हेवी रहता है, फिर भी वो आसानी से चला पाते हैं। अभी आप देखेंगे कि वो कैसे चलाते हैं। चलो विपिन, सबको दिखाओ कि हम ब्रेकर कैसे चलाने वाले हैं। यहाँ पर उसका बटन है, ये देखो विपिन ने बटन चालू किया है और माय गॉड क्या पावर है ब्रेकर की, बेहतरीन बेहतरीन से भी ऊपर दर्जे का ये जो ब्रेकर है और इसकी पावर तो देखो क्या लाजवाब पावर है। दोस्तों आपको मेरी आवाज़ आ ही नहीं रहेगी, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पावर आप खाली देख ही सकते हो कि बेहतरीन अंदर से प्रेशर चल रहा है। और यहाँ पर हम जिनकी जो शॉप की जो बार है उसको खोल रहे हैं ताकि हमको स्लैब एक्सचेंज करना है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए लास्ट वीडियो का अंत तक बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, हमने अभी जो टॉप बीम के जो टॉप के दो बार है उसको हमने पूरा तरीके से मतलब ओपन कर दिया है। ब्रेकर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, यहाँ तक हमें पहुँचने तक शाम हो गई है। हमने यहाँ पर पानी मार के इसको क्लीन भी कर दिया, अभी जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी थी वो हमने निकाल दी है ताकि आपको ये जो ऊपर के जो दो बार है वो अच्छे से क्लियरली दिखा सके। और अभी यहाँ पर हम जो भी एक्सटेंशन करने वाले हैं 3 फीट का, वो अभी हम यहाँ पर कैंटिलेवर स्लैब लगाने वाले हैं। इसके लिए हमको जो भी बीम के टॉप के दो बार थे उसको खाली करना था और रिवायरिंग करना है। जैसे कि आप ये यहाँ पर देख सकते हो, जो कि ये इमेज है, इमेज में हमने यहाँ पर क्लियरली दिखा है कि हमें जो दो बार है उसके ऊपर किस तरह से हमें कैंटिलेवर स्लैब लेना है, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, बार कैसे इस्तेमाल करेंगे वो तो हम बात के बताइए वाले हैं। और रीबारिंग क्या होती है, रीबारिंग की प्रोसेस क्या होती है, अभी आप इस इमेज में देख सकते हो कि रीबारिंग किस तरह से की जाती है। थोड़ा सा रीबारिंग का जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। आपको बस इतना ही बताना चाहते थे कि रीबारिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।